प्रयागराज से अगली खबर। माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने यूपी में की जुर्म की दुनिया में इतिहास रच दिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बनी है यूपी के दूसरे नंबर की इनामी महिला। प्रयागराज पुलिस ने 25,000 से इनाम बढ़ाते हुए 50,000 कर दिया है। गाजियाबाद की दीप्ति पर सबसे अधिक का इनाम राशि थी, दीप्ति पर सबसे अधिक 5 लाख रुपए का इनाम था और इसी के बाद अब 50,000 का इनाम अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर है। तो लगातार वो फरार हैं और इसी के लिए इनाम की राशि में इजाफा किया जा रहा है। उनकी भूमिका उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों के साथ संदिग्ध है और इसी को लेकर बड़े सवाल हैं जो कि सुलझने बाकी हैं। अपडेट लेते हैं, विवेक हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विवेक, देखिए शाइस्ता परवीन लगातार फरार है और उन पर इनाम की राशि अब बढ़ती जा रही है, बावजूद पुलिस के वो हाथ नहीं लग पा रही है, किस तरीके से खंगालने का प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार शाइस्ता परवीन उस वक्त तक बाहर थी और लगातार वो पुलिस से गुहार लगा रही थी कि ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है उसमें उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, तमाम तरह की बातें थी जो शाइस्ता परवीन कह रही थी। उसके बाद जब शूटर शाबिर के साथ शाइस्ता परवीन की फोटो वायरल होती है, इस तरीके से करके लगातार पुलिस को कई सुराग मिलते हैं, उसके बाद शाइस्ता परवीन भाग जाती हैं और इस समय पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिलहाल पुलिस की 22 टीमें लगी हुई जो पूरे उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए जो शूटर्स हैं और शाइस्ता परवीन की खोज के लिए लगातार अभियान चला रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में अभी तक शाइस्ता परवीन की जहां इनाम राशि पहले 25,000 थी, उसके बाद पुलिस ने उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हो, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो इसमें कतई शक नहीं है कि जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए लोग हैं उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और ये पता चल जाएगा ताकि ये इस वक्त कहां पे छुपे हुए बैठे हैं, कौन इनको मदद किया है, इनके पनहगार कौन है। दूसरी सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि शाइस्ता परवीन के साथ साथ अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी, डॉक्टर इखलाक की पत्नी, उनके दोनों बच्चों को भी पुलिस ने इसमें नामजद किया है, अब उसमें आरोपी बनाया है, उनसे भी पूछताछ होगी कि कहीं कहीं उनकी भी भूमिका इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड के बाद संदिग्ध मानी जा रही है। फिलहाल अभी ये सभी लोग फरार हैं, पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी के लिए। जी बिल्कुल, फिलहाल पुलिस को पता लगाना होगा क्योंकि आखिर लास्ट लोकेशन क्या रही है ये भी अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है, तो कड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी बनी हुई है शाइस्ता परवीन और इसी के लिए इनाम की राशि समय समय पर बढ़ाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।